स्टार्टिंग द क्लास शेयरिंग विथ यू व्हाइट बोर्ड एंड स्टार्ट नाउ. वी विल टॉक अबाउट व्हाट? वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी करियर ऑफ गर्ल्स वर्थी विदाउट एनी डिलेइंग. कम ऑन टॉपिक दैट इज लिटरेरी LITERARY लिटरेरी करियर ऑफ गर्ल्स वर्थ THY लिटरेरी करियर ऑफ गर्ल्स वर्थी. रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट लिटरेरी करियर ऑफ गर्ल्स वर्थी देन देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो. नंबर वन कि इनका जो लिटरेरी करियर होता है वह शॉर्ट स्टोरी राइटर से शुरू होता है, मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में वो पहली बार आते हैं. इवन आपको पता होगा कि उनके फादर ये चाहते थे कि ही शुड ज्वाइन बार या द पार्टिकुलर डिग्री ऑफ लॉ विच ही गेन्ड, उस डिग्री का वो यूज करें एज एन एडवोकेट, वो जो है प्रैक्टिस में आए ये चीजें. तो व्हाट हैपेंड दैट कि उनका अपना मन वहां पे नहीं लगा. ही हैड अ लिटरेरी सोल एंड दिस इज व्हाई ही कुड नॉट ज्वाइन द बार. इवन ही वेंट फॉर सम टाइम बट ही डिडंट स्पेंड देयर टाइम. And in his life, Ada came and Ada sparked the literary जो flame था, उन्होंने उसको जलाया और हर जगह उन्होंने credit भी दिया. तो जब भी उनके literary career की बात होगी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि he started to write as a short story. He started his career as a short story writer. Number one point, he started his literary career as a short story writer. Short story writer. उन्होंने जो अपना literary career शुरू किया है वो short story writer के रूप में शुरू किया है. यह एक important point आपको ध्यान में रखना है. Number one point. नंबर टू, इनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी जो कलेक्शन आया हुआ है दैट वाज द फ्रॉम द फोर विंड, दैट वाज फ्रॉम द फोर विंड. तो उनका जो पहला वो था दैट वाज व्हाट, दैट वाज द फ्रॉम द फोर विंड. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द फोर विंड Four wind that came in 1897 is collection of his short stories. Is collection of his short stories. इस कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी. सो यू विल रिमेम्बर दैट कि इसमें जो है जो एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि वह क्या था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज उनका रहा. नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो एक उनका सूडो नेम था दैट वॉज द जॉन सिन जॉन. ही स्टार्टेड टू राइट ही स्टार्टेड to write with his nickname John St. John. John St. John. This is the point. He started to write with his nickname and what was the nickname? That was the John St. John. And here I would like to tell you कि उनके अपने कुछ वन एक्ट प्ले रहे हैं, उसका मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ कि उसका कौन कौन सा वन एक्ट प्ले था, कौन सा उनका नॉवेल रहा है. तो जस्ट आई एम राइटिंग हियर, यू हैव टू नोट डाउन. तो इस तरह से उनका अपना रहा है. तो मैं फिर से आपको ले चलता हूँ. दैट इज वॉट कि ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज शॉर्ट
जी हाँ बिल्कुल। एक मैं शुरू से, आई थिंक कि कृष्णा जी यू आर सेइंग, मैं बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ कि ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक पॉइंट, उनका पहला जो शॉर्ट स्टोरी मतलब जो भी वर्क आया था वह क्या था, दैट वाज द कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, और उसका नाम क्या था, फ्रॉम द फोर विंड। ये उनका कलेक्शन रहा था, फ्रॉम द फोर विंड, इट केम इन 1897। इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, इज अ कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन रहा है। ही स्टार्टेड टू राइट विद हिज निक नेम जॉन सिन जॉन। ये चीज पूछा जा चुका, जॉन सिन जॉन, जॉन सिन जॉन पूछा जा चुका है। अब नाउ आपको जो सेंट्रल हेडिंग डालना है, सेंट्रल हेडिंग ये डालना है, वन एक्ट प्लेज। उनके कौन कौन से वन एक्ट प्ले हैं, वन एक्ट प्लेज। यू विल कम टू नो उनका जो वन एक्ट प्ले है, उसमें एक पहला द लिटिल ड्रीम, द लिटिल ड्रीम, डी आर ई ए एम, द लिटिल ड्रीम। सेकेंड द फर्स्ट एंड द लॉस्ट, द फर्स्ट एंड द लॉस्ट। तीसरा डिफीट, चौथा हाफ मॉक्ड, MARKED, हाफ मॉक्ड। पांचवा द लिटिल मैन, द लिटिल मैन। छठा द सन। सो रिमेम्बर दैट की व्हाट डिड आई टेल यू, आई टेल यू कि ही हैड रिटन वन एक्ट प्लेज, उसमें से वन एक्ट प्लेज में से जो पहला वाला ये बताई हुए, इट हैज बीन आस्क्ड। सो रिमेम्बर दैट की जस्ट आई एम हाईलाइटिंग कि जो द लिटिल ड्रीम है ये जो है पूछा जा चुका है, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन एक्ट प्ले, तो उसमें से जो ऑप्शन था द लिटिल ड्रीम उनका वन एक्ट प्ले है। द लिटिल ड्रीम के अलावा ये सब भी देख आप देख रहे हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट, डिफीट, हाफ मार्क्ड, द लिटिल मैन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लिटिल मैन, दिस टू, द लिटिल ड्रीम एंड द लिटिल मैन, दिस टू वन एक्ट प्ले, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर कि दिस आर व्हाट, दिस आर द वन एक्ट प्ले। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट, उनका नॉवेल, हिज नॉवेल्स। जब आप उनके नॉवेल की बात करते हैं, उसमें से एक आपको ध्यान में रखना है, उनका एक नॉवेल है जॉसलिन, JOCELYN, जॉसलिन। नेक्स्ट है विला रूबिन, RUBEIN। थर्ड इज अ मैन ऑफ डेवन, नेक्स्ट इज फोर्थ इज द आइलैंड ऑफ फरीज, द आइलैंड ऑफ फेरीज, PHARIES, एंड द फिफ्थ इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी काफी फेमस है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द आइलैंड ऑफ फेरीज, PHARIES, EES है द आइलैंड ऑफ फेरीज।
द आइलैंड ऑफ फेरीज पहला नॉवेल है जो उन्होंने अपने रियल नेम से लिखना शुरू किया हुआ है, मतलब जान गार्ल्सवर्दी के नाम से ये नॉवेल आती है, वरना पहले वो किसके नाम से लिख रहे थे, जान सिंह जॉन के नाम से। द आइलैंड ऑफ फेरीज उनका नॉवेल रहा है। शुड आई गो अहेड, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी नेक्स्ट इज द डार्क फ्लावर, द फ्री लैंड, द फ्री FRII, द फ्री लैंड, नेक्स्ट इज बियॉन्ड, नेक्स्ट इज अवेकनिंग, नेक्स्ट इज द कंट्री हाउस, द कंट्री हाउस, नेक्स्ट इज द फोर साइड सागा, ये उनका मास्टरपीस है, द फोर साइड सागा, द फोर साइड सागा, ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि जो फोर साइड सागा है यह उनका मास्टरपीस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो फोर साइड सागा है, ये फोर साइड सागा आपका तीन हिस्सों में बटा हुआ है, तीन हिस्सों में इसके सीरीज आई हुई थी, ट्रायलॉजी रहा है इसमें। मैं यहाँ पे इसीलिए बता दे रहा हूँ कि द फोर साइड सागा को आपको एक बनाना पड़ेगा। पहला जो फोर साइड सागा के अंतर्गत जो नावेल आया है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा जो आया हुआ है इन चांसेरी, इन चांसेरी SARY, तीसरा जो आया हुआ है टू लेट। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो टू लेट है, इस टू लेट का दो दो हिस्सों में आया हुआ है, टू लेट भी, टू लेट में पहला द इंडियन समर फोरसाइट, द इंडियन समर फोरसाइट, दूसरा अवेकनिंग, दिस थिंग, इसके अलावा जो है फोरसाइट सागा का सेकेंड सीरीज भी आया हुआ है, द सेकेंड सीरीज ऑफ फॉर साइट, द सेकेंड सीरीज ऑफ फोरसाइट सागा, फोरसाइट सागा का सेकेंड सीरीज आया हुआ है। उस सेकेंड सीरीज में पहला है ऑन फोरसाइट चेंज, दूसरा है एंड ऑफ द चैप्टर। जो सेकेंड सीरीज है इसमें आपका पहला जो आया हुआ है उसका नाम है ऑन फार साइड चेंज, ऑन फार साइड चेंज, दूसरा है एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर्स।
एंड ऑफ द चैप्टर। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे करना है। मैं फिर से ले चल रहा हूं, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है। ये सब तो उनके नावेल है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज है कि द फॉरसाइट है, इसमें एक द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है इन चांसेरी जो ट्रायलॉजी रहा है, टू लेट करके। फिर टू लेट का दो हिस्सा, द इंडियन समर फॉरसाइट, दूसरा अवेकनिंग, फिर सेकंड सीरीज ऑफ फॉरसाइट सागा आया हुआ है, जो ये इसमें दो हिस्सों में रहा था, ऑन फॉरसाइट चेंज और एंड ऑफ द चैप्टर। और ये दोनों चीजें जो है उनके मरने के बाद पब्लिश होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो एक अब जो हम लोग सेक्शन लेने चल रहे हैं, उसको जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज की पॉइंट टू रिमेम्बर, पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके, आर ई एम ई एम जी। नहीं, वो नहीं, वो वही चीज है एक्चुअली में। देखिए, अगर आप देखे होंगे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने एक जगह अलग भी लिखवाया हुआ है, आपको याद होगा। तो ये चीजें क्या हुई थी कि बाद में इनको इंक्लूड करके वो फोरसाइट सागा के नाम से आती है, जैसे उसमें। हाँ, वही नावेल इसमें आया, अलग से नहीं चीजें आई, वही चीजें जो उसमें क्या हुआ है उसको उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। तो एक जो जनरेशन है, जैसे ना कि सीक्वेल उसका कहा जाए, या जैसे अगर मैं एक जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी का अपनी परिवार की कहानी अपने दादा से शुरू की, तो एक जनरेशन दादा की बात हुई, दूसरी जनरेशन फादर की बात हुई, तीसरी जनरेशन किसके बारे में बात हो रही है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, चौथी जनरेशन में अपने आने वाली जनरेशन के बारे में। तो एक जो है जो जो फोरसाइट सागा, जो ग्रैंड फादर है, उनको लेकर के उन्हीं की जो जनरेशन है वो कैसे कैसे कल्चर के हिसाब से, जनरेशन गैप के हिसाब से, वे ऑफ लिविंग है, एटीट्यूड है, मैनर है, उन सब में क्या चेंजेस आ रहा है, उन सब चीजों को लेकर के उसी उसी सीक्वल में बताने की कोशिश की गई। अब जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, दैट इज पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वी ऑल हैव टू रिमेम्बर, इसको ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहला चीज की जो उनका द सिल्वर बॉक्स है, इट इज द फर्स्ट सोशल ट्रेजिडी ऑफ गर्ल्स वर्ल्ड। रिमेम्बर दैट की द सिल्वर बॉक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द सिल्वर बॉक्स 1906 ईस्वी में आया हुआ है, द सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट सोशल ट्रेजिडी ऑफ गर्ल्स वर्दी। नेक्स्ट पॉइंट, जॉय 1907 ईस्वी में इज द फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ गर्ल्स वर्दी। नेक्स्ट, जस्टिस जो प्ले है 1910 में आता है, और जो जस्टिस है इसको, इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, एंड लेबरर्स। नेक्स्ट, द फिजूटिव, एफ यू GUTIV, द फिजूटिव,
1911 ईस्वी में आई हुई है। इट डील्स विद अनहैप्पी मैरिज इन मॉडर्न सोसाइटी, अनहैप्पी मैरिज लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट द पिजन, PIGEON, द पिजन 1911 में आई हुई है। इट डील्स विद सोशल डिटीरियोरेशन। सोशल डिटीरियोरेशन नेक्स्ट द मॉब 1914, द मॉब 1914 इसमें जो बात दिखाई गई है, क्लैश बिटवीन पीस एंड वॉर, बिटवीन पीस एंड वॉर। द फाउंडेशन द फाउंडेशन जो द फाउंडेशन है, यू विल कम टू नो, ये जो है आपका कब आता है, 1917 में। इसका जो सेंट्रल थीम है, क्लास डिवीजन को लेके इसमें बात की गई है। क्लास डिवीजन, DIVISION, क्लास डिवीजन। अभी मैं फिर से बैक आऊंगा, मैं एक बार पहले लिख दूं, 12 स्लाइड ही इसमें होती है, तो वहां तक मैं पूरा कर दूं। यू विल कम टू नो द स्किन गेम, द स्किन गेम 1920 में। इसमें जो सबसे मेन मुद्दा है, ओल्ड एंड क्लैश बिटवीन ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच, ओल्ड इस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास, RING, मैन्युफैक्चरिंग क्लास। मैं यहीं से स्लाइड को करता हूँ, यहीं से ही करता हूँ। देखिए, जो स्किन गेम है, इसमें उन्होंने किसको लेकर के बात की है, क्लैश। उनके हर ड्रामा या नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई एक क्लैश जरूर रहा है, और वह सोशल इशू को लेकर के रहा, चूंकि वो मार्क्सिज्म से बहुत प्रभावित थे। यहां जो क्लैश है वह किसके बीच है, बिटवीन ओल्ड इस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास। जो पुराने रईस जादे हैं, उनका जो बिजनेस है, जो नए लोग हैं, उनके बीच के संघर्ष को यहाँ पर दिखाया गया है। सो व्हाट आई वांट टू से, ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है जो आप महसूस करेंगे कि इस तरह का जब भी जनरेशन गैप होता है, खासकर जिनके जो नए पैसे वाले आ जाते हैं, उनकी जो टेंडेंसी होती है, वो कैसे अपने आप को सोसाइटी में देख रखते हैं, क्या उनका थॉट होता है, वो उनका इंस्टीट्यूट क्या होता है, ये चीज देखने को मिलता है।
और जो वेल एस्टेब्लिश्ड घराना है उनका जो नजरिया होता है, वो किस तरह के लोग होते थे या उनका अपना क्या होता था। तो इंग्लैंड में हुआ क्या था कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, खास करके विक्टोरियन एज में, आप ये देखेंगे मैंने लिखा था कि इट वॉज एन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नए लोग आए, अमीर लोग वहां पे आए। तो उसका एक वहां पे एक सिचुएशन उन्होंने दिखाया हुआ कि कैसे दोनों के बीच में जो पुराने रईस जादे हैं, जो नए पैसे वाले हैं, उनके बीच में क्लैश क्यों हो रहा, क्या आइडियोलॉजीज है, उनका अपना कल्चर क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसको लेकर के बात की गई है। उसके बाद इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, दो प्ले देख रहे हैं। एक प्ले तो आपका द मॉब है। इस मॉब में आप देख रहे हैं कि क्लैश बिटवीन पीस एंड वार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर भी क्लैश है, पीस और वार। एक ऐसी एक मतलब उसी समाज में एक मॉब है। मॉब का मतलब होता है विद्रोही भीड़, छोटी सी एक विद्रोही भीड़ जो कि हर समय जो है उसमें करती है। और एक ऐसी भीड़ है या एक ऐसा लोग है जो शांति चाहते हैं। तो मॉब के बीच में जिसे आप विद्रोही भीड़ कहते हैं, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं, और एक ऐसे हैं जो पीस को चाहते हैं, उनके बीच का जो क्लैश है उसको लेकर के। तो और ऑलरेडी टाइटल भी सजेस्ट कर रहा है कि हाँ वहां पे वो है। एक आपका है द फाउंडेशन, और ऑलरेडी यू नो की जो फाउंडेशन है या समाज के फाउंडेशन की, उसकी नींव की बात कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा चीज मार्क्सिज्म नजर आ रहा है, क्लास डिवीजन। और आपको ये भी पता है कि 1917 ईस्वी में आता, और 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी जो मार्क्सवाद पर ही आधारित रही है। तो फाउंडेशन जो उनका रहा है वर्क, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, इस चीज को लेकर के दिखाया, क्लास डिवीजन को लेकर के उन्होंने बात की हुई है। जो और एक बैक स्लाइड है उसमें आप देखेंगे कि उनका प्ले द फिजूटिव रहा है। इसमें जो है अनहैप्पी मैरिज लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी, स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में व्हाई द पीपल आर अनहैप्पी, व्हाट द प्रॉब्लम दे हैव, उसको लेकर के बात किया गया है। द पिजन उनका है, पिजन पूछा जा चुका है, या सोशल डिटीरियोरेशन को लेकर के, हमारे समाज में गिरावट क्यों आ रही, सोशल सामाजिक डिटीरियोरेशन, उसके जो सामाजिक हमारे नियम है, जो हमारा कल्चर है, जो चीजें हैं, जो एक और प्रॉब्लम लोगों में आपस में, उसमें इस तरह का डिटीरियोरेशन क्यों आ रहा है, इसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो मैंने एक एक लाइन में कोशिश की कि उनके किस प्ले में क्या चीजें रही हैं। अभी तो हम लोग और आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इसलिए उसको नाम रखा गया कि पॉइंट्स टू रिमेम्बर, की क्विक रिवीजन के पर्पज से वो चीजें हो। जो जॉय है या उनका फर्स्ट कॉमेडी रहा है, और इसमें फर्स्ट कॉमेडी ऑफ जॉन गार्ड्सवर्दी, जस्टिस रहा। जस्टिस तो आपको पता है कितना फेमस है, यह जो है कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। जो मैं अभी आपको जब बता रहा था विक्टोरियन एज, तो मैंने बताया था कैसे फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ, कैसे फैक्ट्री वगैरह लगी, कैसे फैक्ट्री के ओनर्स जो है उनका जो है क्या करते थे कि एक्सप्लाइटेशन करते थे, किस तरह की चीजें। तो दीज थिंग्स यू कैन जस्ट सी, दीज थिंग्स यू कैन फाइंड वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम उनके साथ आई हुई है। अब बाकी ये द सिल्वर बॉक्स भी बहुत फेमस है। सिल्वर बॉक्स भी आपको पता है कि सिल्वर बॉक्स में उन्होंने जो दिखाया हुआ है, या पहली सोशल ट्रेजिडी रही है, और सिल्वर बॉक्स में भी उन्होंने ये दिखाया हुआ कि कैसे जो है अमीर आदमी के लिए एक अलग कानून, गरीब आदमी के लिए एक अलग कानून, कानून एक ही है लेकिन वो जो कानून है वो केवल ऑन पेपर है, प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे वालों की ही दुनिया है, पैसे वालों की ही, मतलब कुल मिला के पूंजीपतियों पर उन्होंने बहुत अटैक किया हुआ है। और ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पैसे के बल पर वो पूरा का पूरा नियम कानून सब किनारे लगा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है आप पाए हुए हैं, एंड जस्ट आई वॉन्ट टू इरेज दिस स्लाइड ताकि मैं और कुछ बात कर सकूं। सो दीज थिंग्स यू विल फाइंड। हाँ, तो अब कुछ और भी, अभी ऐसा नहीं कि वो चीजें पूरा हो गई, कुछ और भी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि
मैडम आवाज आपकी कट रही है। चांसेरी में CHANSARY आई हैव रिटेन। देखिए इसके अलावा जो है मैं आपको और बताऊं कि उनका एक और प्ले है जो उसका अ फैमिली मैन के नाम से आया हुआ है, उसमें फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के बात की गई है। तो वो वही पॉइंट से पॉइंट टू रिमेम्बर वाले से ही मैं लेके चल रहा हूँ। द नेक्स्ट इज अ फैमिली मैन, अ फैमिली मैन। ये जो अ फैमिली मैन है, इन इन इट यू विल फाइंड व्हाट इन इट यू विल फाइंड कि व्हाट फैमिली रिलेशनशिप को लेके बात कही गई है। फैमिली रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, फैमिली रिलेशनशिप को। अ फैमिली मैन, इट केम इन 1921, 1921, इट केम इन 1921। एक उनका और प्ले है लॉयल्टीज, LOYALTIES। और ये आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। लॉयल्टीज जो है, इट केम इन 1922, और ये उस समय आया जब TS एलियट का द वेस्ट लैंड पब्लिश होता है। तो लॉयल्टीज भी जो है बहुत ज्यादा, और इसमें उन्होंने नस्ल भेद को, रेशियल इशू को लेकर के जो है, रेशियल प्रॉब्लम, RACIAL, रेशियल प्रॉब्लम, BLEM, रेशियल प्रॉब्लम को लेकर के बात की गई लॉयल्टीज में। तो यू विल रिमेम्बर दैट कि मैं यहीं पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अ फैमिली, उनका अपना प्ले है, इसमें किस चीज को, फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के बात की गई है। दूसरा लॉयल्टीज है, ऑलरेडी ये वो है, इसमें रेशियल प्रॉब्लम या रेशियल इशू को लेकर के बात की गई है। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट, नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट, ये जो द फॉरेस्ट है, दिस द फॉरेस्ट केम, इट आल्सो केम इन 1922। फॉरेस्ट में फिनेंशियल इशू को लेकर के जो है, फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के, फिनेंशियल फिनेंशियल इश्यूज, नेक्स्ट उनका है द ओल्ड इंग्लिश मैन, द ओल्ड इंग्लिश मैन, इट केम इन 1924। इसमें भी वही चीजें, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म, पूंजीवादी सोच को लेकर के बात की गई है। तो यहां पर भी मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं कि इसमें जो बात की गई, फिनेंशियल इशू को लेके बात की गई है, और यहाँ पे कैपिटलिज्म, द ओल्ड इंग्लिश मैन, इसमें उसको लेकर के बात की गई है। नेक्स्ट है द शो, द शो 1925 में आई है। द शो में जो बात की गई है, स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म, कि जर्नलिज्म कितना ज्यादा जो मीडिया है वो बिक चुका है, इसको लेकर के, स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म को लेकर के उन्होंने बताया हुआ है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, सो व्हाट आई वांट टू से इसमें इसमें रहा है। और कुछ और भी चीजें मैं आपको बता दूं, जो उनका मास्टरपीस है द फोर साइड सागा, द फोर साइड सागा, यू विल कम टू नो कि ये जो रहा है फोर साइड सागा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज रहा है उस पार्टिकुलर चीज में, यू विल कम टू नो
क्रॉस कल्चर को लेकर के बात की गई है। क्रॉस कल्चर, कैसे जनरेशन गैप के बाद कल्चर में बदलाव आ जाता है। मैंने अभी बताया था कि ग्रैंड फादर, फादर, फिर नई जनरेशन, इस तरह की चीजों को लेकर के आप देखेंगे कि इसमें जो बात की गई है क्रॉस कल्चर को लेकर के बात की गई है। यहाँ पे स्कैंडल को, यहाँ पे क्रॉस कल्चर को लेकर बात की गई है। नेक्स्ट है द डार्क फ्लावर। द डार्क फ्लावर, दिस डार्क फ्लावर में बहुत ही अच्छे ढंग से आयरनी इन मॉडर्न लव, या मॉडर्न लव कैसे है उसमें आयरोनिकल पर्सपेक्टिव से मॉडर्न लव को लेकर के बात की गई है। मॉडर्न लव का आयरोनिकल, मॉडर्न लव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आयरनी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आयर, ATHE दा है, PERSPECTIV, पर्सपेक्टिव ऑफ आयरनी। ये चीज रहा है। अच्छा, ये चीजें, द फ्लावर, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। एक उनका वर्क है इंडियन समर, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, FORSYT, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। इसमें जो बात की गई है यंग जनरेशन की क्या सोच है, जो जनरेशन गैप है वही मैंने आपको बताया था। यंग जनरेशन शॉर्ट में मैंने लिख दिया GENERATION, तो यंग जनरेशन को लेकर के वो बात की गई है। हियर आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसमें मॉडर्न लव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आयरनी का यूज किया गया है। यहाँ पे जो बात की गई है यंग जनरेशन में जो गैप आ रहा है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से वर्क इनका डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। जिन वर्क को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा उनमें से एक तो द सिल्वर बॉक्स, यू हैव टू राइट डाउन अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिज वर्क्स। अ डिटेल स्टडी ऑफ हिज वर्क्स, पहला द सिल्वर बॉक्स, नाइनटीन जीरो छ में। दूसरा स्ट्राइफ, 1909 में। तीसरा द जस्टिस, 1910 में। फोर्थ द स्किन गेम, 1920 में। फिफ्थ द लॉयल्टीज, 1922 में। ये जितना भी हम लोगों ने अभी बात किया ये उनके ड्रामा को लेकर के बात किया गया है कि ये सब उनके ड्रामा है जिस पर हम लोग जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। ज्यादातर उसमें ड्रामा ही रहा है, और कुछ उनके नावल पर भी हम लोग लेके बात करें, जिसमें एक छठा वर्क है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो फोर साइड सागा का भी हिस्सा है, 1906 में। सेवेंथ आइलैंड फेरीज, 1904।
द सिल्वर स्पून, द सिल्वर स्पून 1925 में, द फ्रैटर्निटी, नाइनटीन जीरो नाइन में, नाइनटीन जीरो नाइन में। जस्ट आई वॉन्ट टू नो, हैव आई टोल्ड यू अबाउट द स्किन गेम? मैंने नोट कराया कि नहीं कराया? लॉयल्टीज भी मैंने करा दिया है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके ओके, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव नोटेड इन दिस क्लास, सो वी हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स या दीज आर द वर्क। कल से हम लोग वन बाई वन उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है एक एक चीज हम लोग डील करेंगे, लेकिन मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जो आप लोगों को काम करना है वो मैं ये जरूर कहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट करना चाहिए। एफर्ट करने से मेरा बस सिंपल सा रिक्वेस्ट यही है कि इफ यू रीड एनी बुक, इफ यू रीड एनी अदर थिंग, और अगर आपको कोई नया पॉइंट मिल जाता है तो उस नए पॉइंट को जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड कोई ऐसा नया पॉइंट जो हम और आप क्लास में डील नहीं कर पाते हैं, नया पॉइंट मिल जाता है तो तुरंत उसको एक जगह, उसी जगह नोट कर लीजिए जिस जगह पर आपने जॉन गाल्सवर्दी को आपने अपना किया है। तो किसी भी राइटर की जब आप नोट्स बनाइए तो नोट्स बनाने के बाद कम से कम 3 पेजेस हर 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 राइटर के बाद छोड़ दीजिए। 3 पेज इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ते रहेंगे कोई भी नया पॉइंट आपको मिलेगा तो वो ये पॉइंट वन लाइनर अगर आपने बना करके उसमें जोड़ दिया तो व्हेन एवर यू रिपीट दैट पॉइंट या व्हेन एवर यू ओपन दोस पेजेस तो यू विल नेवर मिस कि कहाँ पे आपने ऐड किया है। लेक्चर की ब्यूटी और आपके साथ ही साथ जो हमारे अपनी बताने की जो चीजें हैं उसमें वो तो ये है ही है कि मैं तो सब कुछ कवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि ना तो कोई नोट्स परफेक्ट होती है, ना किसी राइटर का किताब ही कोई अकेले ही परफेक्ट होता है, ना ही किसी आदमी का लेक्चर ही कभी परफेक्ट होता है। परफेक्शन हमेशा टीम वर्क से आता है। टीम वर्क, ये आपका भी सपोर्ट है कि आप इतने धैर्य के साथ समय दे रहे हैं, ये मेरा है कि मैं आपको समय दे रहा हूँ, तो दोनों लोगों के प्रयास से वी आर डूइंग समथिंग। और उसमें बस यही आप लोगों को बार बार मैं हिदायत देता हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ भी पढ़िए, अगर आपको लगता है कि नया चीज है जो जो हमें उस लेक्चर में नहीं प्राप्त हुआ है तो उसको कर ले, चूंकि जो ज्ञान है वो समुद्र है, उस समुद्र में जितना डूबेंगे उतना आपको मोती मिलेगा। लेकिन डूबने का मतलब मेरा नहीं कि आप किसी एक राइटर पर ही स्कॉलर बन जाइए, बाकी सबको तो छोड़ दीजिए। वे वट एवर आपके पास जो बुक है, जो आपके पास ऑनलाइन मटेरियल्स है, अगर आपको समय मिलता है इसके अलावा भी अगर आप कभी देख रहे हैं किसी से कभी कोई बात हो रही है तो उसको जो है आप जरूर नोट कर लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि वी ऑल हैव डन, ये सब चीजें हम लोगों ने अपनी लाइफ में किया, आप भी करते होंगे, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बीइंग अ टीचर आपसे कन्वर्सेशन करना मेरा दायित्व है, आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थॉट डेवलप करना एक मेरा वो चीजें हैं। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं या आपको मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल, यू ऑल आर स्कॉलर मेच्योर पर्सन। सो विद दीज वर्ड्स आई एम एंडिंग दिस सेशन, वी विल मीट टुमारो इन मॉर्निंग। या लेट लेट मी कंप्लीट, लेट मी कर, आई विल टेक, लेट मी कंप्लीट। मैं जो है मॉर्निंग में मिलूंगा, तो मॉर्निंग में जो कल मैं शुरू करूंगा वो मैथ्यू अर्नॉल्ट, पहले मैं विक्टोरियन एज के सारे राइटर कवर कर लूंगा जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। सुबह में मैं फिर बता दूं, सुबह में मैथ्यू अर्नॉल्ट चलेंगे, 5 बजे वाली क्लास में जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक चलेंगे, और शाम वाली क्लास में जॉन गाल्सवर्दी। जैसे चल चल रहा ऐसे चलेगा, अभी अभी शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, 2-3 दिन के बाद आपको भी फुर्सत मिल जाएगी, जैसी जॉन गाल्सवर्दी तो टीजीटी वालों को काफी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये सब चीजें रही है। हाँ, अब वन बाई वन करके आप अपनी बात रखिए। जी जी मैडम, हाँ प्रशांत जी कहिए।
नहीं, टेनिशन का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, कोई टेनिशन एज अ क्रिटिक नहीं है। देखिए, जो जो टेनिशन के बारे में जो कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, आज मैंने डील कर लिया है उसको, सुबह में चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें। क्रिटिक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैंने ये कहा था कि जब भी अगर ऐसा होगा तो जो मेरी जो बुक आएगी, आज सुबह की क्लास में मैंने कहा था कि जो किताब आएगी उसमें किस क्रिटिक ने और टेनिशन के बारे में क्या कहा है, वो चीज उसमें जोड़ा गया है, तो वो चीजें आपको उससे हेल्प हो जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको हम लोगों ने कर लिया है, तो आप टेनिशन पे हमें या आपको और एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास में थोड़ा बहुत, अगर एक आध दो टॉपिक या पॉइंट अगर ऐसा जो रह जाता है, तो वो द बुक वेलकम, और वो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। जी हाँ, शिल्पी जी, आपकी आवाज बहुत, मुझे लगता है शिल्पी जी बोल रही हैं, अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ, तो आवाज जी। या व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, आई जस्ट मिसिंग, आई हैव टू ओपन दैट पेज बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर ईयर ऑफ मी, आई आई थिंक कि परहैप्स आई 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 टोल्ड यू कि दैट वाज 1891 था क्या, जो मैंने लिखवाया था आपको जर्नी, वो शायद मुझे याद है कि मैंने 1891 लिखवाया था। नहीं, तो अगर डेट इज नॉट गिवन तो आई थिंक कि नहीं, मैंने लिखवाया था ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1891 एंड व्हेन 1891 जो मैंने मेंशन उसको, या अराउंड द वर्ल्ड, तो उसी जर्नी में मैडम उनकी मुलाकात होती है 1891, जहां तक मुझे याद है मैंने यही डेट लिखवाया था। कृष्णा जी आप कुछ कह रहे थे, कृष्णा जी। हाँ 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 वो लावेल जो शुरू हुआ था द आइलैंड फेरीज से, मैंने बताया था द आइलैंड फेरीज करके एक मैंने बताया था, परहैप्स वो 1904 में या ऐसी कोई डेट है उसका, आप देखेंगे। आई टोल्ड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी या लेट मी चेक इट, आई आई डोंट थिंक कि मैंने वो किया था, जस्ट लेट मी चेक इट, मुझे दोबारा जो है पेज को खोलना पड़ेगा। मैंने जो बताया हुआ मैडम वो ये मैंने बताया था कि द आइलैंड फेरीज मैंने बताया था मैडम, वो जो है 1904 में आया, 1904 में आया हुआ है, शिल्पी जी द आइलैंड फेरीज से। ओके 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 ओके, तो आई थिंक कि वी विल मीट इन मॉर्निंग। ओके 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 ओके।